वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जड़ी बूटियों की दुनिया में आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही खास जड़ी बूटी से मिलाने ले जा रहा हूँ और ये जड़ी बूटी है काकड़ा सिंघी। काकड़ा सिंघी का नाम हो सकता है कम लोगों ने सुना हो, लेकिन इसके गुण इतने ज्यादा हैं कि आज जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसके बारे में जानकर वाकई में अचरज करेंगे कि कैसे आज तक आप इसके बारे में नहीं जानते थे। थोड़ा सा काकड़ा सिंघी का परिचय ले लेते हैं। संस्कृत में इसको करकट श्रृंगी बोलते हैं, हिंदी में काकड़ा सिंघी, उर्दू में सामान्य रूप से इसको काकड़ा या काकड़ा कहते हैं। करकट श्रृंगी या काकड़ा सिंघी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका उपयोगी भाग है आप देख रहे हैं वो एक श्रृंग के रूप में है। ये देखिए, श्रृंग का मतलब होता है सींग के रूप में इस तरह से होता है, इसलिए इसका नाम करकट श्रृंगी या काकड़ा सिंघी पड़ गया। जिस पौधे से ये करकट श्रृंगी लिया जाता है उस पौधे को भी करकट श्रृंगी बोलते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम है पिस्ट्रेचिया इंटेगेरिमा या पिस्ट्रेचिया चाइनेंसिस उसको बोलते हैं। असल में ये पिस्ट्रेचिया की ही एक प्रजाति होती है। दोस्तों, ये जो उपयोगी भाग आप देख रहे हैं आप थोड़ा सा हैरत कर रहे होंगे, अचरज कर रहे होंगे कि ये वास्तव में पौधे का कौन सा भाग है। ना तो ये जड़ दिखाई देती है, ना ये तना प्रतीत होता है और ना ही ये पत्ती। तो दोस्तों, इसका बड़ा ही हैरत वाली बात है कि इसका जो उपयोग में आ जाने वाला भाग है होता है वो होता है कि जो इसकी पत्ती होती है उस पर कुछ कीट, एफिस उनका नाम है, और भी कई प्रजातियां होती हैं कीट की, वो वहां पर एक तरह का इन्फेक्शन कह सकते हैं या फिर आप उसे कुछ भी नाम दे, जिसकी वजह से उसकी जो पत्ती है या उस पेड़ के और दूसरे हिस्से में इस प्रकार की रचना यानी एक फूल सा बन जाता है और इसके अंदर कीट रहने लगता है। ये आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ही करकट श्रृंगी यूज होता है। इसको हम इंग्लिश में गॉल्स कहते हैं। गॉल उन रचनाओं को बोलते हैं पौधे में जो किसी कीट के इन्फेक्शन के तौर पर जब पौधे को इन्फेक्शन होता है तो भाग फूल जाता है। तो ये तो बात हुई इसके बारे में, पौधे के बारे में कि करकट श्रृंगी का पौधा कैसा होता है, उपयोगी भाग आदि क्या होता है। आइए जानते हैं इसके गुणों के बारे में। सबसे पहले ये कि ये जो श्वसन के रोग हैं, श्वसन संबंधी जो रोग हैं, सांस की जो बीमारियां हैं, उनमें करकट श्रृंगी का चूर्ण बहुत लाभकारी होता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का अस्थमा हो या फिर किसी भी प्रकार का ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की जो नलियां हैं उनका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, सांस फूलना, इन सब बीमारियों में करकट श्रृंगी का जो चूर्ण है उसको 1 या 2 ग्राम अगर शहद के साथ लें तो उससे फायदा होता है। वाजीकरण की जो दवाइयां हैं उनमें भी करकट श्रृंगी के चूर्ण से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों को कामेच्छा की कमी रहती है और सेक्स में मन नहीं लगता है उनमें करकट श्रृंगी काफी अच्छा काम करता है। इसका 2 ग्राम चूर्ण सुबह को घी के साथ या शहद के साथ अगर मिश्री में मिलाकर लिया जाए तो उससे कामेच्छा बढ़ती है। दोस्तों, इसके अलावा करकट श्रृंगी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये करकट श्रृंगी जो है बहुत काम की चीज है, इसको चूर्ण रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कई और दवाइयों में मिलाकर इसका अन्य रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर बताने का तात्पर्य ये है कि 2 मुख्य रोग ऐसे हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, सांस की बीमारियों में और जो कामेच्छा की कमी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप पंसारी की दुकान से आराम से इसको खरीद सकते हैं और अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, कामेच्छा कम हो रही है तो गोखरू और इसका चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम अगर आप सुबह को नाश्ते के बाद लेंगे तो आपकी कामेच्छा में बड़ी वृद्धि होगी, यानी बहुत आपकी कामेच्छा जो है सामान्य स्तर पर आ जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इस तरह हमारी वीडियो जड़ी बूटियों को लेकर आती रहेंगी। ये बहुत अच्छा उपयोगी प्लांट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि मेरी सलाह है कि आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें
और डॉक्टर ये निश्चित करेगा कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।